सिकंदर आ गया रेस लगाने। क्या तुम लोग रेडी हो सिकंदर के साथ रेस लगाने के लिए? अगर रेडी हो तो तैयार हो जाओ, क्योंकि रेस 3 का ट्रेलर आ चुका है और सिकंदर 15 जून को बॉक्स ऑफिस पे रेस लगाएगा। और अगर ट्रेलर नहीं देखा तो जाकर रेस 3 का ट्रेलर देखो। अगर रेस 3 का ट्रेलर नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। पुराने अंदाज में धोते धाते एक्शन करते आ गए अपनी बजरंगी भाईजान, अपने सुल्तान अली खान, अपने सिकंदर भाईजान। जाओ और रेस 3 का ट्रेलर देखो SKF फिल्म्स ऑफिशियल पे। और हाँ, मैं इस वीडियो में, मेरा नाम शिवम है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रिज चैनल। मैं आप लोगों से इस वीडियो में बात करने वाला हूँ रेस 3 मूवी की प्रिडिक्शन के बारे में। हाँ, मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा था कि कब रेस 3 का ट्रेलर आएगा और मैं रेस 3 के प्रिडिक्शन वीडियो बनाऊँगा और बॉलीवुड क्रिज पे डालूँगा। तो फर्स्ट डे कलेक्शन ये मूवी का 44 to 47 करोड़, सेकेंड डे कलेक्शन 47 to 49 करोड़, थर्ड डे कलेक्शन 49 to 52 करोड़। और ये मूवी लाइफ टाइम, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, ये मूवी लाइफ टाइम 350 से 370 करोड़ के बीच में कमाएगी। ज़्यादा लग रहा है ना, क्योंकि सलमान खान ने अभी तक ऐसी पिक्चर ना की थी और आगे अब करते रहेंगे। अगर भाईजान के फ़ैन हो तो इस चैनल को लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। और कितने प्रतिशत भारतीयों को लगता है कि रेस 3 400 करोड़ कमाएगी? मैंने प्रिडिक्शन थोड़ा कम रखा है क्योंकि मुझे पता है ये भाई की पिक्चर है और भाई ईदी लेने ज़रूर आएगा। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करो, वीडियो नहीं अच्छा लगे तो कुछ मत करो, और वीडियो बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो। और बॉलीवुड क्रेज तो आपका अपना चैनल है ही, और आप मुझसे जुड़ने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जिसे ज़िंदगी सिखाए उसे क्या हराए लल्ला, कैसे हो।